हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त हेमराज, मैं भी ठीक हूं। तो स्वागत है भाई आपका आपके YouTube चैनल ट्रक हीरो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है, देख रहे हैं आप। ये मैं हूँ भाई अभी फैक्ट्री के बाहर, ये है खालापुर। तो यहाँ पर आए हैं भाई हम गाड़ी लोडिंग करने दिल्ली के लिए, और वो भी कपूर। तो अभी भाई अब फैक्ट्री में अंदर जाने से पहले एंट्री उंट्री करवा के लेके आए, तो उसके बाद बोलते हैं भाई शूज़ वगैरह लगाओ, देखो सेफ्टी शूज़। तो भाई मैंने अपने ही लिए हैं, तो आज ये पहली बार यूज़ हो रहे हैं, ये भी कौन बार बार लेता रहे। और साथ में भाई ये भी लेके रखा है, देख रहे आप, स्पेशली इसमें नाम नंबर अपना लिख के रखा हुआ है। तो चल रहे हैं भाई, अभी अंदर बुलाएंगे अब हमारे को, जैसे ही अंदर बुलाते हैं फिर गाड़ी लेके चलते हैं अंदर। तो लोड करने के लिए बोला है कपूर लोड करना है, देखते हैं भाई अब क्या लोडिंग होता है। बाकी अभी अंदर जाने से पहले गाड़ी वगैरह चेक होएगी, अंदर भी कोई ऐसा सामान तो नहीं है, बीड़ी सिगरेट वगैरह ऐसा कुछ सब चेक करते हैं, खाना बनाने का गैस वगैरह ऐसा कुछ मैं कहा हमारे पास है नहीं, खाना वगैरह हम बनाते हैं नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है हेलमेट और शूज़ मेरे पास तो है, मगर इसको तेरे को गेट से लेने पड़ेंगे, परे भाई गेट से, उसके बाद जाना पड़ेगा भाई अंदर। अब ये नहीं पता क्या माल होता है भाई यहाँ से लोड क्या नहीं, अब बताया तो हमारे को भी कपूर लोड होएगा, देखो क्या होता है लोड क्या नहीं, जाएंगे फैक्ट्री के अंदर। अभी पता नहीं फ़ोन अलाउड है यहाँ या नहीं है, अभी ये भी नहीं कोई पता, बस हम बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे ही फ़ोन आता है या सिक्योरिटी गार्ड बुलाने आएगा, फिर हम सीधा चल जाएंगे फैक्ट्री के अंदर गाड़ी लोड करने के लिए। गाइस शाम के बज रहे हैं भाई 6, देख रहे आप, अब भी भाई फैक्ट्री से निकल रहे हैं बाहर, आउट हो रही है भाई गाड़ी बाहर के लिए। आज कंपनी में ना तो इन्होंने फोन दिया भाई अंदर लेके जाने, आपको पता ही है भाई सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या बोले भाई, हमारे फोन से पता नहीं क्या दिक्कत है, बाकी सब ने होते फोन लेके गए हुए। अब फिलहाल हम कंपनी से आ गए हुए बाहर, और ये रहे हमारे ट्रांसपोर्टर साहब, अभी हमको बिल्टी देने वाले हैं भाई। आगे पार्किंग में लगा लेता हूँ, है ना, पार्किंग में लगा लेता हूँ, आगे आ जाओ, इधर लगा लेते हैं साथ में गाड़ी यार। और गाड़ी लोड करते करते ना भाई यार क्या बोलूँ आपको, अपना टायर भी हो गया पंचर, अब सबसे पहले अपने को जाके बनाना पड़ेगा टायर, बस लोड करते करते पहले यही कपत लगी है अपनी, क्या बोल सकते हैं भाई, ये जरूरी है। अब जाके कंपनी से बाहर निकालेंगे गाड़ी, और उसके बाद पहले टायर बदलेंगे फिर जाएंगे, वैसे भी टाइम भी बहुत है। बाकी लोकेशन चेक करो भाई कितनी मस्त है, ये है भाई फैक्ट्री मंगलम कपूर वाली फैक्ट्री। ये है भाई लास्ट गेट, यहाँ से बाहर आउट होने के लिए 3 गेट थे यहाँ, मतलब तीसरे गेट से निकल रहे हैं बाहर। अब सबसे पहले चलते टायर पंचर वाले की तरफ को, जाना तो हमने इधर से राइट है, लेकिन पहले टायर बना के आते हैं जरा, इधर आ गए हैं टायर वाले, अरे कार वाले भैया है इतनी राम, चल 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 चल। अब इधर टायर वाला देखना पड़ेगा हमको। लो भाई टायर खोलने की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू, खुल जाएगा तेरे से, रहन दे, ये नहीं खुलता बेटा ऐसे, ले देख ले, ले फोन पकड़ एक मिनट, यहाँ देख के रख लेंगे कैसे खुलता है, यहाँ देख पहले डाला नीचे हाथ, बाहर वाला टायर खुलता है हमेशा, चलिए जी चलिए भाई, टायर बदल दिया है और अंधेरा भी पड़ गया है, बस अभी हाथ मुंह धो के भाई धूप बत्ती कर दी भी है,
लेके प्रभु श्री राम जी का नाम बसव करने जा रहे हैं भाई। सफर की शुरुआत अब वापस आती बार ना हम सुबह भाई एक्सप्रेस होके आए थे, जो पुणे वाला एक्सप्रेस है मुंबई पुणे, और 32 किलोमीटर आया हम उसके ऊपर। हम मानोगे नहीं भाई, 1270-75 का टोल लग गया उसका 30 किलोमीटर का ही। तो अभी भाई हम वापस उधर से नहीं जा रहे, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। देख रहे आप ये वाला रास्ता है भाई, इधर से जा रहे हैं हम। अब जो आप भाई मेरे ये राइट साइड देख रहे हैं ना भाई, ये है अंबानी जी की फैक्ट्री रिलायंस ग्रुप की, आई थिंक ये रिफाइनरी है भाई। काफी बड़ा प्लांट है भाई यार, अगर इसके बारे किसी को नॉलेज तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। तो ये निकल आए भाई हम बाहर पनवेल, देख रहे आप अभी जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है। तो यहाँ से है भाई, यहाँ है वो पनवेल जहाँ के लिए निकलना था सुबह, और वो आप देखा अपने 500 कुछ किलोमीटर है। तो ये JNPT रोड भाई, ज्वाहर लाल वाली जो पोर्ट है ना, वो वाली पोर्ट है भाई ये। तो यहाँ से चलिए देखो अलीबाग के लिए, गोवा के लिए यहीं से चल जाएंगे। हम जाएंगे भाई मुंबई वाया अटल सेतु वाले रास्ते से, आगे से टर्न हो जाएंगे हम वघाल क्या बोलते हैं, वहां से हम टर्न हो जाएंगे सीधा नवी मुंबई के लिए। सीधा नहीं जाएंगे मतलब अटल सेतु होके, उधर से महंगा पड़ता है भाई सौदा बहुत। और यहाँ से हम भाई JNPT वाले रास्ते पे चढ़ के समझ लो, यहाँ से आगे रोड हाईवे आ जाएगा बढ़िया वाला। हो देखो ये टर्न हो गए जी भाई हम वाशी बेलापुर की तरफ के लिए। ब्रेक क्यों मार रहा भाई आगे, क्या सीन है भाई जानने दे। अपन आ गए भाई मुंबई से बाहर, और अभी देख रहे होंगे भाई आप लोग चाहे जाना, ये कल मैं गया था उधर वाशी मार्केट में ना, तो उधर से लेके आया था ये, मेरे को काफी दिनों से चाहिए थी टोपी, तो ले आए भाई। कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रही है टोपी, अगर अच्छी लग रही है तो भाई जब भी महाराष्ट्र आए करूँगा हर बार डाला करूँगा, अगर नहीं भी लग रही अच्छी लगती कमेंट जरूर कर देना भाई, आपका कमेंट भाई बहुमूल्य है मेरे लिए। और साथ में चल रहा था भाई अभी लाइव अपनी दूसरी आईडी से, और अभी जस्ट मुंबई से निकला हूँ बाहर भाई। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भी इतो वर्षा जाम भी नहीं लगा, गाड़ी छूटो छोड़ निकल गई। मैं कहता ठाणे से मैं 15-20 मिनट में बाहर आ गया हूँ, बस अब मेन अपना बस सही रोड पे आ गया बापी वाले अहमदाबाद वाले रोड पे। चलिए कहीं आगे जाके रुकते हैं, डिनर भी करते हैं आगे, देखते हैं कहीं पहले पूरा बस सही वगैरह क्रॉस कर जाते हैं पहले तो। गाइज ये कार देख रहे हैं आप MH48CC4029, ये भाई अभी थोड़ी देर पहले लाइव आए थे ना दूसरी आईडी से, तो भाई से बात चल रही थी, बोलते मिलना मिलना मिलना, तो भाई 5 मिनट बोल रहे थे मेरे को आने को लगेंगे, और वाकई भाई वो सही फाटे में 5 मिनट में आ गए भाई। देखो फ्लैशर ऑन किया है भाई ने, बोल रहे आगे कहीं होटल पे चलते हैं, अभी आगे रोकूंगा कहीं। यार मेरे को ऐसे में ना थोड़ी शर्म जैसी लगती है यार, एक तो देखो अपने कपड़ों के हाल क्या हुए, देखो ना इधर बैंड बजी है, गाड़ी लोड करके कपड़े भी चेंज नहीं किए, अब क्या कर सकते हैं। चलो भाई अब भाई इतने दूर से आए, अब दिल से दिल मिले है ना, कपड़ों में क्या रखा है, तो हर एक बंदा वो चीज़ नहीं सोचता ना। अब जैसे कई बंदा अच्छे होटल में जाए बैठने, बंदा पहले कपड़ों से जज करता है, तो इसीलिए बाकी भाई दिल से भाई का थैंक यू आप यार इतने दूर से आए। मेरे को पता आप ये वीडियो बाद में देखोगे, लेकिन फिर भी आपको थैंक यू मैं पहले ही कर देता हूँ, अभी भाई से मैं मिला भी नहीं हूँ तो भाई का थैंक यू पहले ही। बाकी अब देखते हैं आपको भी मिलाते हैं भाई से, देखो चल रहे आगे आगे, देखते हैं कहाँ रुकवाते हैं हमको। तो इधर आगे आके भाई ये है होटल एक, इधर आके रुकवा लिया है इन्होंने और लगा लिया भाई हमने अपना ट्राला बाहर, चलते अब इनके साथ अंदर चाय पीने के लिए। ये है होटल, इधर तो पक्का मिलेगी क्योंकि बस वगैरह रुकी हुई ना, पीछे हम 2-3 होटल में भी रुके थे, यहाँ तो पक्का मिलेगी मिलेगी है ना। चलो
साथ में आपको इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ इनसे। चलो पहले बैठते हैं जाके, फिर उसके बाद। सोए आगे भाई हम होटल में। सबसे पहले पसंद आई मेरे को बस, देखो तो भाई कितनी मस्त है, सब गुजरात में भाई। इधर चलते हैं गुजरात से मुंबई के लिए। तो जिनकी मैं बात कर रहा था अब आपको मिलवा, मैं नहीं कहता 10 मिनट के अंदर अंदर मैं 5 मिनट में दूसरी आईडी से लाइव आया था, तो उन्होंने देखा तुरंत बोलते मैं अभी 5 मिनट का टाइम था, मैंने बोला 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो अपना परिचय दो आप सबसे पहले। तो मैं वसई में रहता हूँ, मेरा संतोष ट्रांसपोर्ट नाम से ट्रांसपोर्ट है मेरा, ऑल इंडिया और बुकिंग का काम। अच्छा, बैंगलोर साउथ चेन्नई नॉर्थ सब जगह ऑल ओवर इंडिया बुकिंग का काम है अपना, इधर ही वसई में लोकेशन है। अच्छा, मतलब जैसे हमारे को भी जैसे हम वैसे ट्रांसपोर्ट रहे गाड़ी है, मगर मेरी ज्यादा करके 10 टन वाली गाड़ी ज्यादा लोड। बराबर, आपकी जो छोटी वाली थी ना कोई भी, वो ज्यादा गाड़ी। चलो मेरे को आगे के लिए आगे के लिए संपर्क करेंगे, अभी है ना वो भी गाड़ी है, वो भी गाड़ी भी है मेरा। चलो मैं ऑफिस है, यूट्यूब देखता था इनका। अच्छा, बोला कब मुलाकात होगी। हो ही जाती, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं यार, मिलते 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 ना। मैं बोला कभी ना कभी वैसे आएगी गाड़ी, कभी ना कभी तो मिलेंगे, आज मौका मिला। देख रहा था साथ में आए अंकल जी और साथ में इनके लड़के भी। देखो आपका क्या नाम है? सक्षम पंडित। सक्षम भाई है, तो दोनों जने आए। आपको भी मैंने कष्ट दिया, देखो इतनी रात को है ना, रात को क्या हमने, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। गणपति हमारे, आप लोग बोलेंगे यार रात को उठाया। अच्छा चलो भाई, लोगों के साथ पी लेते हैं इनके साथ कोल्ड ड्रिंक। अब चाय के लिए बोल रहे थे, मैं चाय अभी है नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही पी लेते हैं, खाना नहीं अभी, खाना लेट है ना। हाँ पक्का कोल्ड ड्रिंक ही। होटल भी बंद होगा। बाकी काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके लिए मैं दोबारा निकालूंगा टाइम, फिर मिलूंगा, क्योंकि इनसे आज भी मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मतलब मेरे को रहेगा इंतजार भी, किस दिन मैं टाइम निकालूं आपके पास आऊं और दोबारा बैठूं और बातचीत करूं। कम से कम 1 घंटा बैठे होंगे, 1 घंटा बातचीत की, बस अब मैं भी निकल रहा हूं। अब तो होटल भी बंद होगी है ना, बहुत टाइम भी है। बिल्कुल, बाकी आपका बहुत दिल से शुक्रिया, आप इतने मतलब अपना कीमती समय निकाल के आए मिलने के लिए। आपका भी भैया सक्षम भैया, ठीक है, मिलेंगे दोबारा, ठीक है, जरूर मिलेंगे। ओके बाय बाय। The next morning. Good morning, guys. Good morning from Charote, Maharashtra check post. रात में हम जाम में लगे थे पीछे मनोर के पास, तो सुबह के 5 बज गए, वही जाम है। तो फिर वो पार करके आगे आगे हम सो गए थे, और अभी बज रहे हैं भाई दिन के 12, अभी चले हैं भाई यहाँ से होटल से उठ के। लेके आ जरा पानी वगैरह है ना, जल्दी फास्ट। और आज भाई मौसम सही है, आज बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो इधर क्या मौसम, आधा घंटा बारिश हो जाती है, आधा घंटा धूप लग जाती है, चेंज चेंज है मौसम हुआ। अभी तो बिल्कुल सही है, देख रहे हैं मौसम कितना साफ है, बाहर शीशे भी गंदे हुए हैं। जाम हो गया भाई रास्ता, अब जान दी रॉन्ग साइड ही, कुछ गाड़ियां भी जा रही थी आगे आगे, मैं कहा चल जाम रोक, क्या करना भाई, जाम बहुत लंबा लगा है, देख रहे हो कम से कम भी 3-4 किलोमीटर तो आ गया मैं। देखो कार वाला देख भी नहीं रहा है अब, इधर से आ रहा हूं मैं। ओ कहां तक लगा है भाई जाम, अब जाके वापी पार हुआ भाई, दिन के 2:30 बज गए हैं, आज टाइम ही बहुत लग गया वापी पार करते करते। और अब सोच रहे खाना भी खाएंगे या बाकी खाएंगे, नवसारी में जाके वहाँ होटल है। चलो जाओ 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 उस्ताद जी यार, जाओ हॉर्न मारे उस्ताद जी को, जाओ हम तो, मैं तो भाई राम राम से चल रहा हूँ, देख रहे हैं 50-55 की स्पीड से, अपन ने कौन सा कच्चा माल भरा है अभी जो भागना है, आराम से चलेंगे। नवसारी वाले होटल पे पहुंच गए हैं, जो अपना नहर वाला होटल है ना उधर आके पहुंच गया हूँ। टाइम भाई 4 बज गए हैं, सोच रहे हैं भाई खाना खा लेते हैं इधर ही, पहले तो गाड़ी लगा लेता हूँ मैं इधर ही होटल के बाजू में ही, यहाँ सही रहेगी। ये होटल भी देख रहे हो आप साइड में, लो इसको इधर को रोक लेते हैं, चलते हैं भाई बाहर। टोपी भाई खोल के रख दी है मैंने इधर, हरे राम। गाड़ी भी बंद कर देते हैं, वो पीछे पता नहीं कहाँ रह गया।
वो आजकल जिस मर्जी होटल पे चल जाओ आप, आपको कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा बारिश की वजह से ना। लो जी ये लग गई अपनी धन्नो रानी, इधर दूसरे वाली, सॉरी धन्नो रानी बोला जाता है अपने से। अब चलता हूँ मैं, खाना खाना है 4 बजे, अब देखते हैं क्या खाना खाएंगे। अभी ऐसा सोचा तो है नहीं, अब होटल पे जाके ही देखते हैं क्या खाएंगे, तब बताते हैं आपको। अरे और भाई व्यू देखो तो कितना मस्त आ रहा है भाई इधर से, वाह। थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना मस्त। चलो फिर आ जा, चलिए जी चलते हैं भाई होटल के अंदर। होटल राजन, ये अपन का पुराने वाला होटल है, अब नए वाले उस साइड भी है खोला हुआ इन्होंने। बाकी ये है भाई कुछ होटल का इंटीरियर। चलो इधर बैठते हैं कहीं। आज देखो भाई हमने खाने में ऑर्डर किया है चना मसाला, चना मसाला भी अच्छा बनाते हैं ये। आजा बैठ जा ऊपर को होके आराम से, और साथ में चावल फ्राइड राइस इसको इसमें उलट देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, बाकी अब टेस्ट करके बताते हैं आपको। बाकी चावल तो खैर अच्छे होते ही है इनके। चलिए करते हैं भाई खाना शुरू। नींबू डालते हैं इसमें, नींबू का सा स्वाद आएगा देखना। इसमें मक्खन डाल के मजा आ जाएगा, डाल दे जरा इसको इसमें मक्खन को, मक्खन डाल के भाई स्वाद आ जाएगा। इसको ना मिक्स करते हैं जरा इसमें बढ़िया से। और ये आ गई भाई रोटी हमारी, ये तंदूरी रोटी। बाकी मेरे को तंदूरी से अच्छी ना जाता, मेरे को तवे वाली लगती है खाने को। अभी यहाँ पर तवे वाली है नहीं, तंदूरी है, तो यही खाते हैं। चल 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 आ जा फिर चलें। तो हो गया है भाई हमारा लंच, वो भी शाम के 5 बजे। बस अब खाना खा के निकल रहे हैं यहाँ से, सामने को तो गाड़ी निकलेगी नहीं, और मेरे को होटल के बैकग्राउंड पीछे वाली साइड से निकालनी पड़ेगी। चलो 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 दी है भाई गाड़ी ऑन द रोड हाईवे पे। हाईवे का भाई क्या मस्त नजारा दिखता है भाई हाईवे का। ड्रोन कैमरा होता ना, ड्रोन कैमरे से और खतरनाक दिखता है ये ऊपर से पूरा। चलो लेंगे किसी न किसी दिन जो ड्रोन कैमरा भी चलाना आ जाए एक बार, उससे भी शूट किया करेंगे, गोप्रो से भी मस्त वाली वीडियो बनाया करेंगे चलते चलते। बस बाकी अब सूरत सब वगैरह हो जाएगा पार थोड़ी देर में। यहाँ देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है अभी, गर्मी भी नहीं है ना उतनी। मैंने अब दिन में तो अगर मौसम ज़्यादा गर्म रहे धूप रहे तब गर्मी सी हो जाती है, लेकिन अभी ऐसा सही है, ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं है। तो सफ़र है भाई हमारा दिल्ली का, ऐसे पहुंचने का तो हमारे को बताया नहीं कि भी आपने इस दिन पहुंचना, पर ये भी चौथे के दिन तो आराम से पहुंच ही जाएंगे हम। सूखा माल है, कोई जल्दी है नहीं, आराम आराम से चलते रहेंगे। देखते हैं आज रात कहां तक सफ़र कर पाते हम। तो जैसा भी होगा भाई आप लोगों से शेयर करते रहूँगा। फिलहाल ऐसा करते हैं सूरत वगैरह कर लेते हैं भाई अपना पार आराम से। तो दोस्तों हो रहे हैं भाई अभी शाम के बज रहे हैं भाई ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, और अभी मेरी लोकेशन है कामरेज टोल नाका कर गया हूँ मैं क्रॉस, उससे आगे भाई राइट साइड में हार श्रृंगार की दुकान। तो भाई आपको पता होएगा उस दिन हमारा व्हील कैप गिर गया था ये, तो जो ये वाला व्हील कैप है मैंने उस दिन लिया था यहीं से।
तो आते आते हमारा भाई एक और गिर गया, तो पूरा दो सेट ले लिए मैंने, ड्राइवर साइड के लिए दोनों साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए दो। तो पहले भी मैंने यहीं से लिया था सामान और अभी भी ले रहा हूँ यहीं से। अगर आपको भी भाई देखो सामान देख रहे आप, अगर कुछ यहाँ पसंद आ रहा हो तो भाई आओ आप, वेलकम है भाई से, आप ले सकते हैं सामान। हर एक गाड़ी का सामान है भाई, व्हील कप नए से नए प्रकार के व्हील कप है भाई। यहाँ देखो ये भी है, अगली बार हम देखना ये वाले डालेंगे, भी मस्त है। यहाँ देखो एक से एक व्हील कैप है, देखो सामान से सामान। यहाँ देखो पिकअप के व्हील कैप है, ट्रकों के हैं, मूछे हैं, इधर देखो ये भी पिकअप के हैं, और भी पिकअप के हैं, ये सारे पिकअप के हैं। देखो वाह यार कितने मस्त मस्त से सामान है यहाँ देखो। तो भाई अगर आपको इनमें से कोई भी सामान पसंद आ रहा हो ना तो आप बिंदास आओ कामरे स्टोर नाका से पहले। बाकी कार्ड दिखा देता हूँ आपको, देखो ये इनका कार्ड सेठ जी का। आओ भाई इधर सामान लो और आपको सही सही रेट में पड़ जाएगा ये। बाकी झालर वगैरह चाहिए आपको, यहाँ देखो झालर वगैरह हो गई। हाँ ये पिकअप वगैरह का, ये फूल वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल देखो एक से एक है भाई सामान। इधर चेक करो, पहुँच गए गाड़ी के पास। देखो ये सामने थी दुकान, वहाँ से आगे हम लेके लगा लेते मेरे हिसाब से इनको, क्यों निकाल तो देखना एक इधर लगा लेते हैं, लेके आ जरा यहाँ लगाते हैं इसको, सुना सुना सा लग रहा है। देखो इसका नॉक भी गिर गया, इसको भी लगाते हैं। गाइस व्हील कैप वगैरह डालने के बाद ना, दोनों कस दी है हमने, वो डालने के बाद अपन चल पड़े हैं। और अभी मैं भाई बरोज से हो गया और टर्न एक्सप्रेस वाली साइड के लिए देख रहे हैं, अभी एंट्री कर रहे हैं। ये आ गया सामने टोल, जहाँ से एंटर करेंगे हम एक्सप्रेस वे पे। यहाँ रुकता हूँ जरा मैं आगे, एक गाड़ी भी साथ में ही अपने। ये भी अपना सब्सक्राइबर भाई है, यहाँ पीछे मिल गए थे ये, फिर यहाँ आप आगे रुकने को बोल रहे हैं, एक बार मिल लेते हैं इनसे। एक दो गाड़ियाँ नासिक की है, उनसे भी मिल लेते हैं। जरा लगाता हूँ साइड में इधर गाड़ी आके। आपको एक बार भाई एक्सप्रेस वे का नज़ारा दिखा देते हैं भाई, एक बार इमेजिन करो भाई कितना खुला रोड है। देख रहे आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात गाड़ियां लाइन से खड़ी कर दो आप, रह जाएगी। और अब अपने भाई व्हील कैप हो गए सारे ओके। देखो एक तो ये आ गई पंजाब वाली गाड़ी और साथ में अपने नासिक वाली गाड़ियां ये आ गई, भाजीपाला एक्सप्रेस। ये डायरेक्ट गाड़ी भाई नासिक से आ रही है, देख रहे आप भाई से मिलते हैं। एक ये गाड़ी है और एक आई थिंक और आ रही होगी पीछे से, मिल लेता हूँ इनसे। बोल रहे थे भाई रुकने के लिए, एक अन्ना जी भी कर रहे हैं भाई, गिटियाँ वगैरह निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं भाई अपना एक्सप्रेसवे बनने से हमारे को भी भाई काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस मिलता है सफ़र के मुकाबले में, क्योंकि गाड़ियाँ क्या जल्दी जल्दी भाई सफ़र भी काटती है। तो हमारा देश भी प्रगति कर रहा है भाई, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो ये आगे अपने नासिक वाले भाई एक दो, और अपने भाई एक इधर आ गए हैं, एक ही आ गया लड़का वही पीबी नंबर वाला भाई। किधर जा रहे हो भाऊ कुड़े? अहमदाबाद ला। ये अपने भाई लोग है भाई, इनसे मिल लेते हैं फिर हम भी चलेंगे इनके पीछे पे, क्योंकि ये तो खींचो खींच जा रहे हो गए। कितने घंटे में आते हैं आप नासिक से अहमदाबाद? 7-8 घंटे में नासिक से अहमदाबाद। आप इमेजिन कर लो, वही पेंट वाले रास्ते से नहीं, पेंट वाले रोड से आते हैं। सही है, ठीक है दादा भाई। चलो ये चल पड़े है भाई नासिक वाले रॉकेट, चलो हम भी निकालते हैं भाई अपनी गाड़ियाँ। मेरे साथ एक ये पंजाब वाली गाड़ी है पीछे, और ये अपनी गाड़ी। चलो भैया चलो चलो चलो, काफी टाइम हो गया इधर।